है, तो मेरे में से एसेंशियल एलिमेंट चार थे, सभी को याद हो गया। एसेंशियल एलिमेंट चार थे, वो सभी को याद हो गया, उसमें कोई गड़बड़ नहीं था। अब जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने क्या बताया था वो बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने क्या बताया था, पढ़िए बच्चा, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। सर मिनरल क्यों लिखा हुआ है, एलिमेंट में मिनरल वर्ड का मतलब ध्यान दो, 17 एलिमेंट्स में से कार्बन CO2 के फॉर्म में प्लांट एयर से, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेगा O2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन वाटर से लेगा। ध्यान से सुनना, प्लांट कार्बन कहां से लेगा, इन्वायरमेंट से CO2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन कहां से लेगा, प्लांट इन्वायरमेंट से लेगा, वाटर कहां से लेगा, मिट्टी से ले लेगा, पानी से आ गया हाइड्रोजन, बाकी जो भी बच गए वो बच्चा मिट्टी से आएगा, वो बच्चा मिट्टी विदरिंग रॉक पत्थर के टूटने से, पत्थर टूटेगा विदरिंग होगा डिग्रेड होगा, उसी से बच्चा मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा, मिट्टी में जाएगा और मिट्टी से प्लांट में जाएगा। इसलिए मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो रियल में विदरिंग से आ रहा है, रॉक से आ रहा है, मिनरल से आ रहा है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी रख दिया मिनरल न्यूट्रिशन। चलिए बताइए, आपको ये वर्ड मिला 105 एलिमेंट, बोला था ना सबसे फर्स्ट में, हमें लगता था कि हम सभी एलिमेंट से तो बने, प्लांट भी एलिमेंट से बना है, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में 105 अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट हुए उसके कौन कौन सा एलिमेंट प्लांट के अंदर पाया जाएगा। हाँ, तो कितना एलिमेंट, मोर देन 60 एलिमेंट, 60 एलिमेंट से ज्यादा हमें प्लांट के अंदर पाएंगे। कैसे पाएंगे, पूरा मैंने अच्छे से डिटेल से बताया था। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था सेकेंड चीज, अगर हमने एलिमेंट की कमी कर दी, ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बताया था अभी, डिफिशियंसी, ध्यान तो सुनना, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। मान लो बच्चा 100 आयरन चाहिए था, 100 आयरन चाहिए था, क्रिटिकल कितना है 100, तुम्हें रोजाना 4 रोटी खाना, मिनिमम 4 रोटी, अगले दिन 3 दिया, एक दिन तक ठीक रह लोगे, अगले दिन 2 कर दिया, फिर हाफ कर दिया, बड़ा प्रॉब्लम होगा, मिनिमम 1 रोटी तो होना चाहिए ना उतना लाइफ चलाने के लिए, तो वो 4 रोटी है, वो बच्चा क्रिटिकल कंसंट्रेशन, उतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। आयरन कितना चाहिए, मिनिमम मान लो 100 चाहिए, अगर आपने 100 से रोजाना कमी करते जा रहे हो, कमी करते जा रहे हो, तो बेचारा क्या करेगा, उसके अंदर क्लोरोफिल बनना बंद हो जाएगा, सेल का डिवीजन होना बंद हो जाएगा ना, फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे डिफिशियंसी सिम्टम। क्या क्लियर है, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में लिखा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, समझ में आया, मिनिमम कितनी क्वांटिटी, आपको लाइफ चलाने के लिए मिनिमम कितना रोटी चाहिए, सर 4 रोटी, ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लांट को मैग्नीशियम कितना चाहिए, मान लो 100 चाहिए, ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन, आपने कम कर दिया तो डिफिशियंसी हो जाएगी। चलिए, 4 डिफिशियंसी बहुत अच्छे से याद करना है, चलिए पेज नंबर 199 था रियल में। हाँ चलिए फटाफट ढूंढिए, वहां पर कहीं पर लिखा है क्या, क्लोरोसिस, येलोइंग इन लीफ, क्लोरोसिस इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीफ, लीफ को येलो कलर में कन्वर्ट कर दे, कौन कौन, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया था, रिवाइज करो, नमो फेक मंजर मक्से, क्या आपको एनसीईआरटी में मिला, क्या आपको क्लोरोसिस में ये सारे एलिमेंट मिल गए, फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो। सर मिल गया सर, ठीक है, चलो यस सर, सेकंड कौन सी बीमारी थी, सेकंड कौन सी बीमारी बताया था, नेक्रोसिस सर, नेक्रोसिस, जिसमें टिश्यू का डेथ होगा। 4 एलिमेंट कौन कौन से थे, कुक का मैगी, क्या मिलता है फटाफट देखो, क्या नेक्रोसिस में आप, कैल्शियम हाँ कुक का मैगी, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम चलो मिल गया। थर्ड एंड क्या बताया था, थर्ड सेल डिवीजन घट जाना, इनहिबिशन ऑफ सेल इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिवीजन, तो क्या यहाँ पास दिख रहा है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, 4 एलिमेंट का मोशन, क्या यस आपको कमोशन सर, दिखा, नाइट्रोजन हाँ सर दिखिए। फिर लास्ट कौन सा बताया था, लास्ट डिलेड फ्लावरिंग, तीन एलिमेंट कौन कौन से थे बोलो, मोशन, डिलेड
मोशन मोलिब्डेनम सल्फर नाइट्रोजन याद हो गए, अब तो 100% याद रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं करो। अब सेकंड पैराग्राफ को ध्यान से देखो, सेकंड पैराग्राफ को ध्यान से देखो, ध्यान से। जो मैंने बताया, मैंने ये बोला था कि एक अगर बीमारी होना है जैसे क्लोरोसिस होना है तो उसके लिए एक से ज्यादा एलिमेंट पॉसिबल हो सकते। क्लोरोसिस के लिए नाइट्रोजन की कमी से भी हो सकता है, मोलिब्डेनम की कमी से भी हो सकता है, सल्फर की कमी से भी हो सकता है, पोटेशियम की कमी से भी हो सकता है। तो एक सिम्टम एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी से पॉसिबल है। और दूसरा, अगर तुमने बच्चा सल्फर हटा दिया तो उससे आपका एक नहीं बचा, डिले इन फ्लावरिंग भी हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो सकता है, और आपका क्लोरोसिस भी हो सकता है। तो एक एलिमेंट की कमी से ज्यादा सिम्टम भी पॉसिबल है। ये आपको बच्चा सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा है एनसीईआरटी। अब पढ़ो तो समझ में आया, ठीक है, यही लिखा है। जिसे तुम पढ़ते तो थे कुछ समझ में नहीं आता, जिसे हम पढ़ ले तो लेते थे लेकिन हमें समझ में नहीं आता था। अच्छा, तुम लोग सभी ने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है या फिर कोई और बुक पढ़े? चलो ठीक है, तो मतलब वही इसमें अरेबिक लैंग्वेज तो नहीं दिख रहा है ना कि मतलब समझ में नहीं आए, क्योंकि पहले तो पढ़ रखा है, मैंने उसी चीज को ट्रिक्स में बताया था ना कि अरबी में लिखा हो, सर हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, तो ऐसे नहीं बोल सकते। चलो ठीक, देखिए अब एक टॉपिक आएगा टॉक्सिसिटी। ये क्या है, ध्यान से एलिमेंट चाहिए थे 70, ये बच्चा थे आपके एसेंशियल, एसेंशियल ध्यान से सुनो, ठीक है। एलिमेंट दो तरह के, एक थे मैक्रो और एक थे कम अमाउंट में चाहिए माइक्रो, ध्यान से सुनना। एक पेज एनसीईआरटी में लिखा है, दो मिनट में समझ में आएगा, पूरा एक पेज एनसीईआरटी में दो मिनट में समझ में आ जाएगा, मैक्रो और माइक्रो। मान मैक्रो 100 चाहिए, माइक्रो भी 100 चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने कमी कर दी, आपने बचा मैक्रो 100 चाहिए था आयरन, आपने बचा उसमें कर दिया, कमी कर दी आपने, कमी कर दी, तो कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपने माइक्रो है, ठीक है, उसकी कमी कर दी, कमी कर दी तो इसे भी क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। तो डिफिशियंसी दोनों से हो सकता है, मैक्रो एलिमेंट की कमी कर दी उससे भी डिफिशियंसी, माइक्रो की कर दी उससे भी डिफिशियंसी, चलिए दोनों से डिफिशियंसी पॉसिबल। अब ध्यान से देखो नया चीज, अगर आपको चाहिए था एमएन मैग्नीज, बच्चा चाहिए था 100 लेकिन आपने कर दिया 70, आपने कर दिया बच्चा 70, तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी सिम्टम, डिफिशियंसी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एमएन का अमाउंट बच्चा 130 कर दिया, जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया, जरूरत से बच्चा ज्यादा बढ़ा दिया, तो तुम्हें लगेगा अच्छी बात है सर, 100 चाहिए था, मैंने तो 130 डाल दिया, तब तो प्लांट को अच्छा हो जाएगा। नहीं, अगर तुमने ज्यादा डाल दिया तो उससे हो जाएगी बच्चा टॉक्सिसिटी, उससे हो जाएगी बच्चा टॉक्सिसिटी, वो टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट के लिए, अगर ज्यादा डाल दिया तो टॉक्सिक हो जाएगा। ऐसे समझिए, आपकी मम्मी ने सब्जी बनाया ना, आलू की सब्जी बनाई, आलू बेटा बड़े होते, ये बच्चा मैक्रो है, मैक्रो है, और नमक बच्चा, नमक सॉल्ट ये बहुत कम अमाउंट में पड़ता है, तो ये हो गया माइक्रो, समझ लीजिए। आलू ज्यादा अमाउंट में होता है तो मैक्रो मान लो, नमक कम अमाउंट में चाहिए तो माइक्रो होगी। ध्यान सुन, अब तुमने बच्चा माइक्रो है, तुमने बच्चा नमक की कमी कर दी, नमक की कमी कर दी, नमक कमी कर दी तो खाओगे नहीं, तुम बोले क्या मम्मी क्या बनाया है, कुछ नमक ही नहीं है, नहीं खाऊंगे, नहीं खाऊंगी, बहुत एकदम नमक नहीं है, तो क्या हो गया बच्चा, डिफिशियंसी, तुमने नमक की कमी की, तुम्हारे खाने लायक नहीं बचा, डिफिशियंसी। लेकिन अगर मम्मी ने बचा 1 ग्राम की जगह 3 ग्राम नमक डाल दिया, तब भी तुम बोलोगे ए क्या कहना है, खाली सब्जी में डाल दिया, नमक डाल दिया, एकदम खाने लायक नहीं, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी भाई,
तो यानी कि अगर ज्यादा भी कर दिया तब भी प्रॉब्लम, कम कर दिया तब भी प्रॉब्लम। अब आया समझ में? चलो आलू की बात करते हैं, पांच आलू थे, फाइव ना बेटा, यहां पर मैं दो आलू कोई कमी कर दू, दो आलू हटा दू, ले सर खाएंगे फिर क्या? पांच आलू था, मम्मी ने पांच आलू रोजाना बनाती थी, उसमें से दो तो बना ही नहीं, तीन ही तो बचे ना, तब तो मैं सर भूखे रह जाएंगे। हाँ तो मैक्रो आलू उसकी कमी कर दी तो डिफिशियंसी तो हो जाएगा ना, ठीक। लेकिन बच्चा मम्मी ने पांच की जगह सात आलू डाल दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खा लेगा, कोई टेंशन नहीं है, भूखे तो नहीं ना रहोगे। अरे थोड़ा ज्यादा खा लिया, टेंशन वाली बात, एक आलू ज्यादा खाने से दिक्कत नहीं है। इसलिए मैक्रो में बच्चा टॉक्सिसिटी नहीं होगा, अगर थोड़ा ज्यादा हो गया कार्बन ज्यादा हो गया ज्यादा ग्लूकोज बन जाएगा, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो गया ज्यादा अमीनो एसिड बन जाएंगे, तो क्या प्लांट को नुकसान हो जाएगा? इसलिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अगर थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कम हो गया तो टेंशन। माइक्रो में बेटा, माइक्रो में जैसे आयरन है मैग्नीज है, इनमें अलग चक्कर है, अगर कमी की तब भी प्रॉब्लम, अगर बच्चा ज्यादा कर दिया तब भी प्रॉब्लम, उसी को कहते टॉक्सिसिटी। तो तुम मुझे बताओ टॉक्सिसिटी केवल किसमें दिखेगा, मैक्रो या माइक्रो? आंसर बताओ, टॉक्सिसिटी किसके लिए एप्लीकेबल, मैक्रो या माइक्रो? बोलो माइक्रो। तो क्या ये टॉपिक आप समझ में आया? तुम पढ़ते थे ऊपर से बाउंसर कर चल जाता था, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, टॉक्सिसिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, नहीं ना, क्योंकि टॉक्सिसिटी केवल माइक्रो का होता है। अगर आलू ज्यादा हो गया तो काय का टेंशन रे भाई, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे। हाँ नमक हो गया तो तुम बेटा बवाल मचा दोगे, अभी आओगे हॉस्टल में मिलेगा वैसा खाना तो तुम करोगे हंगामा, वो तो मालूम है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एक बार में दिमाग में एक मिनट दिया किया मैंने, ठीक है। हाँ एक एग्जांपल से समझाते हैं, याद हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, ये बच्चा प्लांट, ये रूट, रूट हेयर, ये बच्चा स्टेम, स्टेम और ये बच्चा लो लीफ, ये बच्चा लीफ, ठीक। ध्यान से सुना, अगर प्लांट में एमएन का अमाउंट बच्चा, मैग्नीज का अमाउंट मान लो 100 चाहिए था लेकिन हो गया 130 हो गया, तो ये टॉक्सिक हो जाएगा। सर कैसे बताइए? वही बता रहा, अगर एमएन जरूरत से ज्यादा हो गया तो प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। सर नुकसान कैसे हो सकता है? एमएन अगर ज्यादा हो गया तो रूट हेयर पे बैठ जाएगा, रूट हेयर पे बच्चा बैठ जाएगा, समझिए रूट हेयर पे बैठ गया। मिट्टी में बच्चा आयरन है, आयरन है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, अगर एमएन का अमाउंट बढ़ गया तो ये आयरन बच्चा आयरन के एब्जॉर्प्शन को और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। पहला चीज समझ में आया, अगर एमएन गेटकीपर है, तुमसे दुश्मनी है, मैं जान ही नहीं दूंगा, मुझे आयरन से दुश्मनी है, मैं एब्जॉर्ब होने ही नहीं दूंगा, तो किसका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा? मिट्टी में है, किसान को लग रहा है मिट्टी में नहीं है, अरे मिट्टी में है आयरन लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहा है, एमजी का एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहा है, पहला प्रॉब्लम। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने देगा, कैल्शियम को रूट के अंदर में एब्जॉर्ब होने देगा, उसे नहीं रोकेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को नहीं रोकेगा, उसे होने देगा। चलिए ठीक है, हो गया, रूट में आ गया। लेकिन कैल्शियम की जरूरत बच्चा लीफ में, तो हमारे कल ही बताया था पिछले क्लास में, इसलिए होते हैं बच्चा लोग वेसल, ये जाइलम, जाइलम नाम का ट्यूब है, इसे पानी जाता है, पानी जाता है ना, ट्रांसपीरेशन पुल, ऊपर से ट्रांसपीरेशन एक फोर्स लगाया, पानी ऊपर चला गया, तो पानी ऊपर जाएगा तो साथ साथ मिनरल जो है जैसे कैल्शियम भी है वो ऊपर चला जाएगा, तो जाइलम का, जाइलम से मूवमेंट हो गया, पानी मूव करेगा तो साथ साथ मिनरल भी चले जाएंगे। इसी बच्चा जाइलम से मूवमेंट को एनसीईआरटी कहता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। जब भी जाइलम या फ्लोएम से किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं ना, ट्रांसलोकेशन हो गया, ठीक।
कैल्शियम एब्जॉर्ब तो हुआ लेकिन लेकिन उसे ट्रांसलोकेशन नहीं करने देगा, अपर साइड में मूव नहीं करने देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी में अभी देखने को मिलेगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब तो हो गया, ऊपर की तरफ जाने नहीं देगा, यानी कैल्शियम अपर सरफेस पे नहीं पहुंच पाएगा, लीफ में ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। तो ऊपर में कैल्शियम की कमी हो गई, बोले दो प्रॉब्लम समझ में आया। तीसरा, मान लो बच्चा ये लीफ पे, ये लीफ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए एंजाइम चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, रुबिस्को नाम जरूर सुना, रुबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम ही है। ये बच्चा रुबिस्को है, रुबिस्को को अगर फंक्शन करना है तो उसे चाहिए मैग्नीशियम आयन Mg+। क्या चाहिए बच्चा? मैग्नीशियम आयन। वो आएगा, जुड़ेगा तो एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम आयन। चलो, लेकिन किसका अमाउंट बढ़ चुका है प्लांट में? Mn का। Mn आकर के बैठ जाएगा, Mn देखो यहां आके बैठ गया, Mn यहां आके बैठ गया, बोले मैग्नीशियम से जुड़ने ही नहीं देंगे, थोड़े मोड़े मैग्नीशियम है वो जुड़ना चाहते हैं एंजाइम से, Mn बोलेगा नहीं नहीं जुड़ने देंगे। अरे एंजाइम नहीं जुड़ेगा, एंजाइम अगर जुड़ेगा नहीं, अगर Mg+ जुड़ेगा नहीं तो एंजाइम का एक्टिवेशन नहीं होगा, अगर एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ तो फंक्शन रुक जाएगा ना, फंक्शन रुक जाएगा ना, तो किसान को क्या लगेगा? किसान को क्या लग रहा है? उसे लग रहा है, लगता है आयरन की कमी है, उसने बेटा और आयरन डाल दिया, मिट्टी में आयरन डाल दिया, लेकिन आयरन मिट्टी में है, एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम कर रहा है, मैग्नीशियम मिट्टी में है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है, कैल्शियम को ऊपर पहुंचने नहीं दे रहा है, एंजाइम जो कि मैग्नीशियम से बाइंड करके एक्टिवेट होना चाहता एक्टिवेट ही नहीं होने दे रहा है ना, हमें लग रहा है आयरन की कमी है, हमने आयरन डाला कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें लगा मैग्नीशियम की कमी है मैग्नीशियम डाला, लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और है, प्रॉब्लम है Mn जरूरत से ज्यादा हो चुका है और जिससे कि प्लांट के अंदर में मैग्नीशियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की बच्चा अपर सरफेस पे कमी होगी, तो यहां मैग्नीशियम की कमी से बीमारी हो जाएगी, प्लांट में तो मैग्नीशियम मिल नहीं रहा, आयरन की कमी से बीमारी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी से बीमारी हो जाएगी, तो प्लांट के अंदर में नया एक बीमारी जन्म ले लेगा, मैग्नीशियम के कमी से, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से एक मिला जुला एक नया बीमारी तैयार होगी, जिसे एनसीईआरटी में लिखा है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये देखिए लीफ है, ये बच्चा वेन होता है, ये वेन है ना, लिखा है बच्चा लोग कि जो आपका मेन वेन है वहां पास स्पॉट्स बन गए, स्पॉट्स बन गए, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, ब्राउन कलर का स्पॉट बन जाएगा, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, जो वेन है चारों ओर, ठीक है, कैसा था? क्लोरोफिल थे, ग्रीन कलर का था, धीरे धीरे वहां पर खत्म होने लगेंगे, डिग्रेड होने लगेंगे और वहां पर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाएंगे, इसी को कहेंगे ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, इस बीमारी का नाम है। लेकिन पूछा जाएगा कब होगा ये बीमारी, तो आंसर एक ही है, जब Mn का अमाउंट बढ़ जाएगा, Mn ज्यादा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, तो ये अपियर होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आती है? बताओ फटाफट, ये चीज समझ में आया? ऊपर से बाउंसर गया। आया सर, आया समझ में? अगर आया तो ठीक है, यहाँ पास अगर आता है तो देख लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए, यहाँ पर बच्चे यही पूरा का पूरा ये चीज आपको जो दिखा है ना, यही चीज लिखा ना, ये पूरा का पूरा चीज यही चीज लिखा है, ये पैराग्राफ में तीन बीमारी, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और मैग्नीशियम को रोक देगा, दूसरा ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम को रोक देगा, और तीसरा एंजाइम के एक्टिवेशन को रोकेगा। तो यहां से एक ही क्वेश्चन बनेगा, Mn का अमाउंट बढ़ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी हो गया, तो ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन अपीयर हो जाएगा। चलिए ठीक, चल अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
ध्यान से देखो, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। ये आपका एक बच्चा अपने पॉट ले लिया, गमला ले लिया, इस गमले के अंदर एक प्लांट लगा दिया, ये प्लांट लगा दिया, ये प्लांट का रूट है, स्टेम, स्टेम और ये लीफ। नीचे में लीफ ओल्डर होते, बड़े होते, बड़े होते, और ऊपर की तरफ जो लीफ होते हैं वो यंगर होते, याद रखिएगा। नीचे में हमेशा ओल्डर मिलेगा, ऊपर में यंगर मिलेगा, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहां बताया जाता है, ठीक। अब हमने यहां पर जितने भी एलिमेंट थे 17 एलिमेंट सब प्रॉपर अमाउंट में डाल रखे, सारा एलिमेंट प्रॉपर अमाउंट में डाल रखे, कोई टेंशन नहीं, ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, हमने क्या किया, कुछ दिनों के बाद पॉट यानी गमले को चेंज कर दिया, ये गमला चेंज कर दिया, सेम प्लांट को उखाड़ा वहां से यहां डाल दिया, उस प्लांट को उखाड़ करके यहां हमने डाल दिया, यहां डाल दिया, ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, ये यंगर है वाई और ये ओल्डर, हमने मिट्टी चेंज कर दी, गमला चेंज कर दिया जानबूझ करके, हमने इसके अंदर में, इस गमले के अंदर में जानबूझ कर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, सल्फर को अभी छोड़ दीजिए, सल्फर थोड़ा कंट्रोवर्सियल तो छोड़ दीजिए, हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी कर दी। ध्यान से सुने इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। हमने मिट्टी के अंदर में से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी कर दी, ठीक। अब जो यंगर है बच्चा, यंगर में सेल डिवीजन ज्यादा होगा, ओल्डर में, ओल्डर तो अपना लाइफ जी चुका है, उसको क्यों सेल डिवीजन करना है, यंगर में सेल डिवीजन ज्यादा होगा, यंगर के अंदर में सेल वॉल ज्यादा बनेंगे, यंगर के अंदर में एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो यंगर को एलिमेंट की जरूरत ज्यादा है, ध्यान से सुनना, यंगर को एलिमेंट की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि सेल डिवीजन वहां हो रहा है, क्लोरोफिल वहां बन रहा है, सेल वॉल वहां बन रहा है, सारे एक्टिविटी वहां हो रही है, तो यंगर को ज्यादा चाहिए, ओल्डर को एलिमेंट की रिक्वायरमेंट कम है, ओल्डर को रिक्वायरमेंट कम, ठीक। नया बच्चा है, अभी तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें बच्चा ज्यादा पैसा की जरूरत है, कोचिंग करना है तो ये करना है वो करना है, लेकिन तुम्हारे घर में दादा दादी है, ओल्डर है, उनको उतने पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो। लेकिन मैंने जानबूझ करके मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी कर दी। यंगर बोलेगा कि मुझे नाइट्रोजन दो, फॉस्फोरस दो, पोटेशियम दो, नहीं तो मैं कैसे करूंगा सेल डिवीजन, मुझे करना है सेल डिवीजन, मुझे काम करना है, तो मुझे ये सब दो ना जल्दी, लेकिन मिट्टी में तो है नहीं, मिट्टी के अंदर में नहीं है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जरूरत किसको ज्यादा है, यंगर को, तो क्या करें मजबूरी में, वो ओल्डर को बोलेगा, ओल्डर तेरे पास है क्या, तू तो ऐसे भी मरने वाला है, तेरे पास है क्या नाइट्रोजन, है साइटोप्लाज्म में, फास्फोरस है, बोले हाँ है, तो ऐसा करना, मुझे भेज दे, मुझे भेज दे, यहां से यहां भेज देना, क्या दिक्कत है तुझे, ओल्डर बोलेगा नहीं दिक्कत है, भेज देता हूं नाइट्रोजन, भेज देता हूं फास्फोरस, भेज देता हूं पोटेशियम, भेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट फ्री है, ये साइटोप्लाज्म में फ्री है, और ये मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, तो जो भी ओल्डर में थे वो कहां चले गए, यंगर में, ओल्डर वाले माइग्रेट करके कहां चले गए, यंगर में। अब मुझे बताओ, कुछ दिनों के बाद मिट्टी में तो है नहीं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मोबाइल एलिमेंट, ये सब है नहीं, तो मुझे बताइए पहला सिम्टम, पहली बीमारी कहां दिखेगी, यंगर में या ओल्डर, फिर से बता दे रहा हूं, यंगर की रिक्वायरमेंट ज्यादा था, ओल्डर ने दे दिया, ओल्डर ने दे दिया, अब आएगा कहां से, मिट्टी से, सोर्स से तो है नहीं, सारा ओल्डर वाला यंगर में चला गया, तो सबसे ज्यादा कमी कहां हो गई, ओल्डर में, तो फर्स्ट सिम्टम कहां अपीयर होगा बताइए, यंगर में या ओल्डर में, आंसर बताइए, फर्स्ट सिम्टम यानी बीमारी नाइट्रोजन की कमी से कहां अपीयर होगा, ओल्डर या यंगर, बोलो, ओल्डर में, कहां होगा, बाकी लोग कहां, कोई आता है
अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारा भी जो अपने मन से बहुत सारे बच्चे चले गए उनको मैं वार्न करते रहो ना सर, यंगर। अच्छा ठीक है ठीक है, फर्स्ट सिम्टम बेटा ओल्डर में होगा ना, ओल्डर से तो सारा यंगर में चला गया, ओल्डर से तो निकल करके यंगर में चला गया, ये ओल्डर था, ओल्डर से तो यंगर में, यंगर में तो मिल गया, तो कमी रियल में कहां दिखेगी, ओल्डर। फर्स्ट सिम्टम कहां अपीयर होगी, ओल्डर साइड। अगर एलिमेंट मोबाइल है तो चलो देखो ध्यान से, अब उसका उल्टा एक बता दो, उसका एक उल्टा बता दो, ये देखिए मिट्टी है, मिट्टी मैंने उसी प्लांट को मान लो यहां लेते आया, इस प्लांट को यहां लेते आया, यानी यहां से प्लांट था वन नंबर, यहां लेते आया, ये रूट है, ये स्टेम और ये लीफ, ये लीफ, ये ओल्डर और ये यंगर, ये ओल्डर और ये यंगर, ठीक है ध्यान से। मैंने इस बार कैल्शियम की कमी कर दी, मैंने इस बार कैल्शियम की कमी कर दी, कैल्शियम जो होता है वो इमोबाइल होता है, इमोबाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता, ध्यान से सुनना, मिट्टी में कोई कैल्शियम ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, यंगर को रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसे सेल डिवीजन करना है, सेल का डिवाइड करना है, सारे एक्टिविटी यंगर में हो रहा है, सारे मिनरल का रिक्वायरमेंट यंगर में, तो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कहां जाता है, यंगर में, मिट्टी में है क्या, मिट्टी में तो है भी नहीं, तो वो किससे मांगेगा, वो ओल्डर से मांगेगा कि मुझे कैल्शियम दे दो, मुझे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मिट्टी में है नहीं, तो तुम दे दो ना, तुम तो ऐसे भी मरने वाले हो, ओल्डर हो चुके हो, ओल्डर बोलेगा मैं चाहता तो हूं देना, लेकिन कैल्शियम बहुत टाइटली बॉन्डेड, जो यहां पर बहुत टाइटली बॉन्डेड है ना, मेरे मिडिल लैमला में बैठा है, सेल वॉल में बैठा है, सेल वॉल को कैसे तोड़ू, पहले वाला जो था नाइट्रोजन फॉस्फोरस वो फ्री था, साइटोप्लाज्म में था, दे दिया, अब वो टाइटली बॉन्ड है, नहीं दूंगा, नहीं दे सकता मैं, तो क्या यहां से कैल्शियम जा सकता है, वो इमोबाइल है, वो नहीं चल सकता, वो तो टाइटली बॉन्ड है, तो अब यहां से कैल्शियम पहुंचेगा क्या यंगर में, यंगर में पहुंचेगा नहीं, कुछ दिनों के बाद डिफिशियंसी दोनों जगह, ओल्डर को भी चाहिए यंगर को भी चाहिए, लेकिन ज्यादा किसे चाहिए था, यंगर को, ओल्डर देने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे बताओ फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट डिफिशियंसी सिम्टम कैल्शियम से कहां अपीयर होगी, अब बताइए ओल्डर में या यंगर में, अब बोलो यंगर में, यंगर में, यंगर में, यंगर में अभी, क्यों, क्योंकि ओल्डर ने भेजा था, तो यही बस याद रखना था कि अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होगा यंगर में, याद रहेगा। अब कंफ्यूजन क्या था कि सर सल्फर को क्या मानेंगे, तो आपकी पुरानी एनसीईआरटी बोलती है ना, पुरानी एनसीईआरटी में देखिएगा, वहां पर केवल कैल्शियम को लिखा है इमोबाइल, लेकिन नई एनसीईआरटी में कैल्शियम के साथ साथ सल्फर भी है इमोबाइल, तो कुछ के बुक में, कुछ लोगों के बुक में कैल्शियम मिलेगा ओनली कैल्शियम इज इमोबाइल, कुछ के बुक में मिलेगा कैल्शियम एंड सल्फर बोथ आर इमोबाइल, बोथ आर इमोबाइल, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नई एनसीईआरटी में कैल्शियम के साथ सल्फर भी है, तो नीट के एग्जाम में आया तो लिख दीजिएगा, सल्फर को भी मान के चलिएगा, ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तो मेरे वैसे यहां तक क्लियर है सभी को, बोलो फटाफट, यहां तक कर लीजिएगा। चलो ये चीज आपको दिखा देता हूं, ये कहां पास है, ये देखो 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 ध्यान से, चलिए पढ़िए, तो सबसे लास्ट जो पैराग्राफ है जहां लिखा है द डिफिशियंसी सिम्टम ले टेंड टू अपियर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू, ध्यान से कैसे हमने रिलेट किया था, याद है ना, अगर मोबाइल एलिमेंट की कमी है तो ओल्डर से यंगर में चला जाएगा, यंगर को कमी पूरी होगी, ओल्डर फंस गया, तो अगर मोबाइल एलिमेंट की कमी की तो ओल्डर में पहली बीमारी अपीयर होगा, यंगर में भी आएगा लेकिन बाद में, लेकिन इमोबाइल एलिमेंट है तो मूव नहीं कर सकता, तो पहली बीमारी कहां आएगी, पहली बीमारी कहां आएगी, तो सर वो मूव नहीं कर सकता, यंगर में पहुंचेगा नहीं, तो पहली बीमारी यंगर में आएगी। अब देखो लास्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, वो सेल वॉल से टाइटली जुटा है, Hence are not easily released. वो रिलीज नहीं करेगा,
निकालेगा नहीं, यानी वहां से वहां मूव नहीं करेगा, वो इमोबाइल है। इसलिए प्लांट में इस केस में यंग वाले में पहले सिम्टम अपियर हो जाएगा। चलिए यही चीज लिखा है, इसी में बच्चा बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब बताओ क्या मिनरल न्यूट्रिशन डिफिकल्ट है जितना मैंने बताया? नहीं सर। हाँ तो पहले तुमने रट्टा मारते थे, पहले बैठ करके रट्टा मारते रहते थे, ये गुड़ गुड़ अपना रट्टा मार रहे हो, पढ़ते थे कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ तो मेरे मिसेस बॉटनी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें रटना नहीं समझना, एक बार समझ लिया लाइफ टाइम के लिए याद होगी, एक बार समझ लिया लाइफ टाइम के लिए याद होगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा शाम में, वापस से देख लीजिएगा और एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अब मेरे मिसेस समझ में आ जाएगा। ठीक, कर लोगे? यस या नो? कर लोगे? यस सर। और कुछ पढ़ा था? यस सर। प्लांट किंगडम का कुछ याद वाद किया या भूल गए सभी? प्लांट किंगडम के एग्जांपल वगैरह? यस सर। चलो ठीक है, तो पढ़ते जाओ। अभी ऐसे ही हम लोग थोड़े थोड़े हर चैप्टर को थोड़ा बेसिक दे दे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दे दे, हाँ, क्योंकि फिर अभी मेन है कि आप एग्जाम भी अच्छे से दीजिए, वहां पर मेन एग्जाम भी तो अभी देना है आपको, तो कुछ कुछ नए चीजें सीखते जाइए, शॉर्ट ट्रिक्स सीखते जाइए, फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। कहाँ कहाँ से हो तुम लोग? कौन कहाँ से बोल सर? धुबरी से है, एक नौगांव से है, एक और कौन थी जिसका? करीमगंज से। अच्छा करीमगंज से, ये सभी लोअर आसाम ना। एक बिरता क्लिंग पी, ये कहाँ से? हार्बियांगलोंग। इससे तो मैंने बात किया, इसका इंटरव्यू मैंने किया। चलो तो पढ़ाई समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है फिर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो आगे पढ़ेंगे। चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।